समझ मोहब्बत का करते हैं उसको कह देगा आओ मेरे बाप हमारे लोग हो जो बादशाह काल का तुम राष्ट्र हो अरे बाप अभिनंदन करते हैं हमारे गुलाम के सुख सिले से आई गुलाम को नमस्कार में तुम आज अभिनंदन करेंगे और हम नंबर 2484
حضرت آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو جو عظیم خدا ہے، وفادار خدا ہے، پاک و سچا خدا، مجھے تجھ کو پکارے یاد کریں، ہمارے دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ عظیم خدا آج کی عبادت کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب یہ خاندان ہے خدا تیرے حضور جمع ہے، بے شک خدا ہم غم کی حالت میں تیرے سامنے آتے ہیں، لیکن پھر بھی تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حال میں تیری شکر گزاری کرنا۔ آج جب کہ خدا تیرے خادم تیرے لوگ اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ اس گرانے کی تسلی اور اطمینان کی بھی دعا کریں۔ ہمارے عزیز بھائی، خداوند جو اپنی زندگی گزارنے کے بعد تیرے کلام کے مطابق خداوند اس جگہ سے، اس زمین سے پوچھ کر کے تیرے پاس آ گئے، اور ان کے خدا اپنے سے خاندان میں جو جدائی درار آئی ہے، تیرے دل کرتے ہیں خداوند اور ساری جدائی کو اپنی تسلی اور اطمینان سے بھر، اور سارے گانے کو خداوند اپنی تشکی سے آج تیرے بعد جب تیرے کلام کو، گیتوں، زبروں کو، دعاؤں میں
जो हम एक दूसरे के साथ अपने रसूस खानदानी तौर पर अपने मेहमानों के साथ गुजारते हैं, अगर उन तमाम का इकट्ठे होना उन तमाम के लिए हिस्से की कमाइश हो, अगर आप नमाज करते हैं कि विशेष के लिए बेटियों के लिए और उनके भाइयों के लिए बहनों के लिए तमाम रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए चंदा उनकी मौत के बायस अपना
لے آئے تمام. پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی بیسویں اکھنام اس کا 15واں باب 42ویں آیت سے چوتھی آیت تک مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پہلا خط کرنتھیوں کی بیسویں اکھنام 15واں باب 42ویں آیت کا چوتھی آیت. مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے جس نام کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بکا کی حالت میں چیختا ہے. بے مردی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں چیختا ہے. کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں چیختا ہے. نفسانی جس بویا جاتا ہے اور روحانی جس چیختا ہے. جب انسان نفسانی جی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے. چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس ہے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہم یہاں پر کیوں موجود ہیں. دو لفظ زندگی اور موت بالکل متضاد الفاظ ہیں, لیکن یہ دونوں عجیب متضاد الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں. Thank you.
कि वो ना सिर्फ प्रेम अमूल हैं, भी मैंने जो इसलिए किया है कि ये मौत जो वाकया नहीं है, ये तो हकीकी जिंदगी में दाखिल लेने की जाने वाली मौत है, इसलिए है।
जाए तो चाहता रोशनी नहीं देता नहीं है, तो चाहता रोशनी देता नहीं है। और ईमान की शाख को जब काट कर ले तो ताली नहीं मानती है। अगर हम इससे दुआ पकड़ जाए तो फिर क्या होता है कि ईमान की शाख को जब काट कर ले कर्म की वापसी देता नहीं है। Thank you.
दस जूलियो से गुना किया था फीवर स्पेशल में बसी मौसी का स्पेशल डिवीजन का, तो मैंने इसे बहुत फायदा उठाया। मैंने कहा कि यार तुझे आज मैं ये प्रपोजिशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, साथ में भी दिखा थोड़ा सा मेरा काम शुरू कर दो। वहाँ हमारा बातचीत होती रही, लेकिन ये हमारी खानदानी दोस्ती नहीं थी, ये सिर्फ एक दूसरे की और मौसी की दोस्ती थी। खानदानी दोस्ती में जो जिसने बुनियादी पता अदा किया वो मेरी सबसे बड़ी बेटी। जब हमने अपने सदर वाले घर को मेहमान कहा और अपना पता आजादी घर सोसाइटी में बनाने लगे तो दो ढाई सालों में हमें बिरोड जाना पड़ा। उस वक्त मेरी बड़ी बच्ची सबरीना विषय उसकी उम्र करीबन ढाई तीन साल थी, वो अपनी दादी के साथ शॉपिंग के लिए गई बाजार से बजाने के बच्चों की चीजें और वह हाथ छुपा के बात गई। हम परेशान थे मेरी बच्ची कहाँ गई, कहाँ गई, हम ज्यादा हम किसी को जानते नहीं थे। थोड़ी देर के बाद जो लोग पहुंचे वो मेरी बच्ची हो गया है, तो मेरे से भाई बच्ची आपकी हो सकती है और किसी का गैर के घर में नहीं घुसी, गैर के घर में घुसी और वहां से हम दोनों खानदान की दोस्ती की इब्तदा हुआ। उसके बाद हम सोसाइटी के मकान में चले गए और बाद में हमें पता चला कि ये फैमिली है वो हमारे टेस्ट कर जा रही है और फिर उन्होंने मजबूर किया कि हम चूपू की इबादत करते हैं। यही तो एक राज है दुनिया बनाने के लिए।
Thank you.
तो कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये है उसी की तो जो गुजर गई वो
Thank you.
और इसका
मेरी काम से हुआ है कि दोनों बेटियों मावेद और सारे खानदान को नाम बना हमारे ईमान के मुताबिक अयोध्या सा सबने जुड़े नकार कमाए उसी ने दिया उसी ने किया उसी का नाम हमारे को उसके साथ साथ हम काम के सूत्र में ला करते हैं कि आज हमारे ईमान की ताजगी इस सौ से होती है कि जो उसी में बनते हैं बनते नहीं बातें सुनते हैं और जिसमानी मौत एक कल द्वारा है और बाल भाई उस कल द्वारा का रास्ता प्यार करके हजार कर दिखा चुके हैं जिनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं लाश के उस यीशु में हम सब तसल्ली और इत्मीनान पाए आमीन। हमारे पूजा के हमारे दूसरे पुत्र जनाब उन दास के लिए सर अपने उस पास करूंगा कि नसीब जो है कि उसकी शर्त नहीं हो सब कुछ काम मुश्किल सी हयात होती है जब ये वारदात होती है जिंदगी से वफा नहीं होती जिंदगी बेशुमार होती मेरे जीजों लेकिन इस खूबसूरत सी याद में कुछ लोग इतनी ऐसी यादें छोड़ जाते हैं कि कोई भूलती नहीं जोसेफ मेरे खुशीदार भाई थे लेकिन उससे ज्यादा मेरे दोस्त थे और बचपन से लेकर जवानी तक जवानी से लेकर याद तक एक साल में से छोटे थे वो हमने कोई कभी रंजिश नहीं हुई और इतने सादा थे और इतने मोहब्बत करने वाले वो इंसान थे कि अब बहुत याद आ गई और मेरी दोस्ती दोस्ती के लिए मैं उनसे कहता हूँ त्रुटियाँ रुकान खेड़ गए मेरे त्रुटियाँ रुकान खेड़ गए मेरे रुठे यार न कोई मेरे प्यार का पप्पू दे आए थो बैगे कूकर मेरे मेरे मैं जब कोई उनका जिक्र छेड़ेगा जब कोई उनका जिक्र छेड़ेगा फूल मुंजियों का जिक्र भी होगा फिर बहारों की बात भी होगी फिर सदाई भी बोलकर होंगी फिर नजारों के रंग बिखरेंगे फिर हवाएं भी गुजराएंगी जब परिंदे भी नरमफाम होंगे जब कोई मुझे से साथ साधों पर जब कोई नरमफा नहीं होगा जब कोई मौसम में जब बहारों में कोई बिछड़ेगा फिर कोई फुटकों की यादों में जब कोई की दबा नहीं होगा फिर कोई उनका निकल सकेगा वो मेरी बहुत याद है। मगर आज
जब मेरा भाई मुझसे पिछड़ गया तो 10 कुटुंब की बात यकीन करें हनुमान भी धुंधले और मीठे मीठे से नजर आते हैं। मैं क्योंकि टाइम की कैद में हूं इसलिए मुझे मुख्तसर करना है, वरना यकीन करें कि मेरा और दोस्त साहब का रिश्ता वक्त से बहुत आगे है। वक्त की कैद में उसको नहीं उतारा जा सकता और यकीन करिए कि जब इस उम्र में काम के हाथों के साथ खबीला कमर के साथ कपकपाती उंगलियों के साथ धुंधलाई हुई आंखों के साथ अपनों को जब गोर के अंदर मुंतकिल करने का टाइम आता है तो रूह पर मुद्दा हो जाती है। और जब हम ऐसा कर रहे थे उसके बाद अपनी कांधों पर लाशों को अपनों को उठाकर वापस आए क्योंकि वो अहम वो भाई शख्स हमसे बिछड़ गया। और आज यहां पर हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम उसके पर्सनैलिटी का उसके कद का अंदाजा कर सके, अपने अपने फीते के साथ उसकी हाइट को माप सके। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा दूंगा इसलिए मिल रहा था जुल्लो साहब मेरे बचपन के दोस्त थे। हमने बहुत सारी बातें ऐसी की जिनका जिक्र चर्च में नहीं हो सकता क्योंकि हम तो लौट गए। उसके बाद वो मेरे बनोई बने, उनकी मोहब्बत और उनकी शख्सियत को सल्यूट करने का इससे बड़ा जरिया तरीका और कोई नहीं था उस वक्त कि मैंने आपके भाई बहन जो है उनकी नजर की और उसकी एड्रेस
आज मेरी बहन विवाह हो गई, मगर मैं सलूक करता हूँ, मैं सलूक करता हूँ उनकी विवाह को जिन्होंने नहायत ही ईमानदारी के साथ, नहायत ही मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत की, उनके साथ है। और आप सबको जिनकी मोहब्बतें शामिल करी, कल के जनाजे ने मुझे जोड़ा और मुझे बताया कि जो तो क्या मेरा दोस्त था और दोस्तों ने बेशक हम सुनते हैं ये जवान था, ये बूढ़ा था।
आपके दिल में हमेशा ये तकदीर है कि जब मैं अपनी हजूर का तायुन ही नहीं कर सकता तो किस तरह मुमकिन है कि मैं उन पैरामीटर्स को गेज कर सकूं कि किसको कब चल रहा है। मैं अपने भाई के हवाले से चंद तस्वीरें जो मेरे दिल में आने में मैं